बहुत से पुरुष जब अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, चाहे वो जल्दी निकलने का है या फिर इरेक्शन का लूज होने का है, तो उनका कांस्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ रहता है, जब मैं ट्रीटमेंट अभी बता भी नहीं रही होती, उससे पहले वो पूछ रहे थे, मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों गई, मेरे को तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को शुगर नहीं है, मेरे को थायराइड नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये हो क्यों गई, अभी तो मैं सिर्फ 20-21 साल का हूं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम चाहे वो किसी भी तरीके की होती क्यों है। अगर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है और आप अपने आप को टाइम से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं कि क्यों हो गया यार मेरे को, मैं ऐसे तो मैंने कोई गलती नहीं की और मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैं तो 40 साल तक बिल्कुल ठीक कर रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, चलिए बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा अवेयरनेस अगर आप सेक्सुअल हेल्थ को लेकर कंसर्न है तो कुछ नहीं हो सकता। पहले नंबर पे अगर मैं रखूंगी कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रोक देते हैं। कई लोग मे भी शादी से पहले बहुत फिजिकल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो समझ में आता है ना, मुझे करियर में सेटल होना है, मुझे बेटर कमाना है, अपनी फैमिली को देखना है, तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती जाती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। कई लोग मेरे को फोन पे बोलते हैं, मैं सुबह जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज रुक जाती है। अब ये बात भी सही है कि फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको कोई मेजर काम नहीं करना, अगर आप 20-30 मिनट्स भी निकाल रहे हो, वेट लॉस की बात नहीं करूंगी या मैं एक्टिव रहने की बात करूंगी, तो अगर आप 20-30 मिनट्स भी निकाल रहे हो, जस्ट मे बी आप अपने फिटबिट पे सिर्फ स्टेप्स काउंट कर रहे हो या फिर आप सिर्फ छोटे से सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो, अपने आप को फिजिकली एक्टिव और स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ढूंढते रहोगे कि क्या रीजन है, मुझे क्यों ये प्रॉब्लम आ गई, मेरा सेक्स पावर क्यों कम हो गया। दूसरे नंबर पर रखूंगी हमारी डाइट। एक समय था हम घर का खाना खाते थे, उसमें वैरायटी होती थी, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करते थे, लेकिन आजकल बाहर का खाना ज्यादा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बाहर का ज्यादा है, खाना पीना है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए सेक्सुअल प्रॉब्लम पहले की कंपैरेटिवली अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपका फूड डाइट अच्छा नहीं है तो ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। इसलिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप एक अच्छा मल्टीविटामिन अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, ऐसा मल्टीविटामिन जिसके अंदर विटामिन डी, B6, B12, विटामिन ए, सी, फॉलिक एसिड, अश्वगंधा जरूर हो, जो कि हेल्प करेगा आपके ओवरऑल डाइजेशन को बेटर करने में, और वो जो बैलेंस डाइट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलते रहे, ताकि आपका स्टेमिना और पावर में जो कमी धीरे धीरे आने लगी है वो ऑटोमेटिकली पूरी होते रहे। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगी अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, वेप्स। अगर आप ये सब कर रहे हैं, जो कि लाइफस्टाइल के मामले में बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम थोड़ा स्मोक कर रहे हैं, हमारी अच्छी फोटोग्राफ्स आ रही हैं अल्कोहल के साथ, बट इसका एक्सेसिव कंजम्पशन डेफिनेटली आपकी सेक्स पावर को कम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं उसकी दवाई ले लूं लेकिन मैं अल्कोहल रेगुलरली पीता रहूं, स्मोक करता रहूं, दिन में 2-4 सिगरेट लेता रहूं, तो आई एम सॉरी, ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा और ये प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ रही है। तो आप अगर इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रेगुलर स्मोकिंग अल्कोहल कर रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देने वाले हैं। चौथे नंबर पे मैं डेफिनेटली रखूंगी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना। अगर आपका टेस्टो लो है और आपको ये समझ में आता है कि भी एक्सेसिव मास्टरबेशन पहले हो गई थी, अभी भी हो रही है, जिससे परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, तो आज ही अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और ऐसी डाइट को ऐड करें जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाए, फिजिकली एक्टिव रहें और मास्टरबेशन से थोड़ा थोड़ा सा कम करें। मना मैं कभी भी नहीं बोलती, लेकिन उसको लिमिट में करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले रीजंस में आपका शुगर का कंजम्पशन ज्यादा होना हो सकता है, आपकी एज का फैक्टर हो सकता है, कोई ऐसी मेडिसिन जो आप लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे हम साइकेट्रिक मेडिकेशन की बात करते हैं जो कि दिमागी वाली दवाइयां हैं, ऐसी कोई भी दवाई जो आप काफी लंबे समय से ले रहे हैं, एज का फैक्टर है, स्ट्रेस लेवल आपको बहुत ज्यादा रहता है, भागदौड़ वाली लाइफ बहुत ज्यादा है, नींद बहुत बुरी आ रही है, अगर इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आज नहीं तो कल आपको सेक्सुअल पावर, सेक्स पावर कम हो जाएगी, साथ साथ आपके घर पे लड़ाई है, आप और आपका पार्टनर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, मे बी आपको क्या पसंद है वो नहीं समझ पा रही, उनको क्या पसंद है आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर इस तरीके की भी प्रॉब्लम राइज होती है तो आज नहीं तो कल कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको शुरू हो रही है या स्टार्ट हो रही है तो एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे कोई डॉक्टर बात करेगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे रेगुलरली पूछने वाला है कि डाइट क्या लेते हो, एक्सरसाइज कितनी करते हो, स्ट्रेस लेवल कैसा है, नींद में क्या प्रॉब्लम आती है, थॉट कैसे,
सबसे रिलेटेड वो बात करता है जो कि जरूरी होते हैं। अगर आपका डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो समझ लीजिए कि शायद एक्सपर्टीज नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मॉनिटर करो ताकि आगे जाके और अभी आपको सेक्स पावर में कमी ना आए, आपका स्टेमिना कम ना हो। सो आई होप हमने सारी चीजों को कवर किया है। आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें और अगर कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें।